नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट्स के बारे में। और आज का जो कंटेंट्स है वो टोटली देखा जाए तो केमिकल सेक्टर के ऊपर है। और आज मैं दो कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो दोनों ही कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है और दोनों कंपनी के हाई पोटेंशियल है फ्यूचर में एक बड़ा धमाका करने का। तो अभी से इस कंपनी के ऊपर अगर फोकस रखा जाए और अभी से इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लिया जाए तो बड़ा सा एक मोमेंटम और बड़ा सा एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। देखिए, आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा वो स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। देखिए, स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप, और एक होता है माइक्रो कैप। तो दोनों सारे के सारे अलग अलग कैटेगरीज कंपनीज है। देखिए, लार्ज कैप कंपनी जो बड़े कंपनी बन चुके हैं उसमें लॉसेस होने का चांसेस बहुत कम देखने को मिलता है। मिड कैप और स्मॉल कैप में हाई रिस्क ही है, रिस्क यहाँ पे ज़्यादा है और रिवार्ड पाने का कैपेबिलिटी भी हायर होते हैं। अगर आपको मल्टीबैगर रिटर्न कमाना है तो आपको चूज मिक्स स्मॉल कैप एंड मिड कैप टाइप कंपनी को ही चूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत छोटा होता है और इस मार्केट कैप से वो जब बड़ा होंगे तब आपको मल्टीबैगर रिटर्न भी देंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप सही कंपनी के ऊपर सही टाइम में अगर रिस्क लिया तो एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। देखिए, इस रिस्क लेने से पहले एक चीज़ याद रखिएगा, हर किसी का रिस्क लेने का कैपेबिलिटी अलग अलग होते हैं। तो रिस्क आप जितना ले सकते हैं, आपका अकाउंट्स के आपके टोटल मतलब इन्वेस्टमेंट में आप कितना परसेंट रिस्क लेना चाहते हैं उसके ऊपर डिसीजन करके ही काम करना। तो अगर आप पूछेंगे, सर अगर मान के चलिए मेरे पास 1 लाख रुपया है, अगर क्वेश्चन मुझे बहुत सारा पूछा जाता है, सर मान के चलिए मेरे पास 1 लाख रुपया है तो मैं कितना पैसा एक कंपनी के ऊपर निवेश कर सकता हूँ। देखिए, मेरे हिसाब से 5 से 7% के ज़्यादा निवेश किसी भी एक कंपनी के ऊपर नहीं करना चाहिए। 5 से 7% से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हाँ, जब कंपनी धीरे धीरे करके खुद को अच्छी तरीके से स्टेबल बना रहा है, खुद को अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है और कंपनी अच्छा खासा काम भी कर रहा है, तब तो धीरे धीरे करके उसके ऊपर होल्डिंग्स बनाना चाहिए। पहले तो 5% से ज़्यादा किसी भी कंपनीज के ऊपर निवेश नहीं करना है। तो स्मॉल कैप और मिड कैप टाइप कंपनीज के ऊपर धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए, हम लोगों को लगता है कि लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करके हम मल्टीपल रिटर्न कमा लेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि वो एवरेज रिटर्न आपको देगा, 15 से 20% आपको एवरेज रिटर्न मिल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा आप रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रखते हैं, अगर रिस्क लेकर आप काम करना चाहते हैं, तो आज जो दो कंपनी के बारे में बात करूंगा इसके ऊपर स्टडी करिए। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे। अगर कोई भी कंपनी के ऊपर बाई सेल करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ कि इस कंपनी के ऊपर खरीदारी करिए। मेरे पास इस दोनों कंपनी का कुछ कुछ हिस्सेदारी है, तो इसलिए मैंने आपको साथ ये वीडियो शेयर किया हो। तो सबसे पहले जो कंपनी के बारे में डिस्कस करूँ उसका नाम क्या है, उसका नाम है FCL। FCL का मतलब है फिनोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड। देखिए, ये भी एक केमिकल्स कंपनी है जो टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर, साथ ही साथ क्लीनिंग एंड हाइजीनिक स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर, आदर स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम कर रहा है और साथ ही साथ ड्रिलिंग स्पेशलिटीज भी कंपनी है। तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा तो देखा जाए स्पेशलिटी केमिकल्स प्रोडक्ट्स के ऊपर ही काम करते हैं। अभी कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ, कंपनी का जो ओवरव्यू देखा जाए तो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स प्रोडक्ट के ऊपर ही ज़्यादा फोकस रख चुके हैं। और कंपनी का जो मेनली जो प्रोडक्ट है, केमिकल इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्ट बनाते हैं और वो भी टेक्सटाइल केमिकल्स के ऊपर, तो टेक्सटाइल केमिकल्स के ऊपर डिमांड जो है वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि टेक्सटाइल हर किसी को, जो ड्रेसेस वगैरह हो गया, जो क्लॉथ्स वगैरह हो गया, वो उसको कलरिंग करने के लिए, उसको मतलब अलग से बनाने के लिए जो केमिकल्स का यूज़ किया जाता है वही केमिकल्स इस कंपनी बनाते हैं। सबसे पहली अच्छी बात क्या है, इसका जो टीम है, जो प्रोफेशनल टीम्स है 34, वो प्रोवाइडिंग करते हैं टेक्निकल सॉल्यूशन और कस्टमर्स, मतलब कस्टमर को टेक्निकल सॉल्यूशंस के बेसिस में अच्छा खासा कंपनी काम करते हैं। सबसे पहले मुझे एक चीज़ इस कंपनी के ऊपर अच्छा लगा, कंपनी का 470 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट कैटेगरीज है और साथ ही साथ कंपनी देखा जाए तो 100 से भी ज़्यादा डीलरशिप लेके रखे हैं ऑल ओवर इंडिया में और इंटरनेशनल मार्केट में। कंपनी का 1,04,000 मेट्रिक टन पर एनम टोटल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है। कंपनी
का जो सबसे बड़ी बात है, कंपनी का जो लॉन्ग टर्म रेटिंग दिया गया है ए रेटिंग दिया गया है, शॉर्ट टर्म रेटिंग A+A1 दिया गया है, और कंपनी का जो फिनोटेक्स केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का जो होली ओनर सब्सिडी है, मतलब यही कंपनी इसका सब्सिडरीज है, FSPL जो फिनोटेक्स केमिकल फिनोटेक्स स्पेशलिटी प्राइवेट लिमिटेड, यही कंपनी इसका होली सब्सिडरीज है। 70 से भी ज़्यादा कंट्रीज को कंपनी खुद का प्रोडक्ट बेचते हैं। कंपनी स्टार्टिंग हुआ था 2004 से, 2004 के स्टार्टिंग होने के बाद कंपनी तब भी केमिकल सेक्टर के ऊपर लाइसेंस कंपनी को मिल चुके थे। 2007 में FCPL ने फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड को पूरा का पूरा एक्वायर किया। 2011 में कंपनी BSE में लिस्टिंग हुआ और कंपनी एक होली सब्सिडरीज बना चुके थे मलेशिया के एक कंपनीज को, और साथ ही साथ एक्विजिशन किए थे बाइटेक्स ग्रुप को। और उसके बाद 2014 में कंपनी बोनस अनाउंसमेंट किया था 1:1 का, और उसके बाद 2015 में कंपनी लिस्टिंग हुआ NSE में। मतलब सोचिए, 4 साल बाद कंपनी NSE में लिस्टिंग हुआ। उसके बाद 2019 में बायोटेक्स जो मतलब पार्टनर है उसके साथ एक ब्लू ब्लू साइंस कर चुके थे, और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो इंक्रीज किए थे 43,000 मेट्रिक टन पर एनम। और उसके बाद 2020 में कंपनी बायबैक लेके आए थे 11 लाख शेयर के ऊपर, और जो प्राइस दिया था 40 के आसपास। उसके बाद कंपनी 2021 में JV विथ हेल्थ ग्रुप, साथ ही साथ उसके साथ पार्टनरशिप भी किए थे। 2022 में कंपनी क्या क्या 40,000 मेट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी बढ़ाया। उसके बाद कंपनी उसी सालों में 1,04,000 से भी ज़्यादा मेट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी को इंक्रीज किया। 2023 में US के सर्टिफिकेशन कंपनी को मिल चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी और भी यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज को, कंपनी को यहाँ पे इसी इसी सालों में 2023 में ही एक लॉन्ग टर्म के लिए ए कैटेगरी, शॉर्ट टर्म के लिए A1 कैटेगरीज का मतलब कैटेगरीज के अपडेट्स मीन रेटिंग्स में देखने को मिला। अभी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए स्टेप वाइज दिखाई, तो कंपनी कौन से स्टेप के बाद कौन से स्टेप को फॉलो करके या लास्ट तक फिनिश प्रोडक्ट को फिनिश करते हैं। कंपनी स्टेप वन से लेकर स्टेप 6 तक कंपनी अलग अलग स्टेप को फॉलो करके केमिकल को यूज यूज़ करके कंपनी खुद का प्रोडक्ट को बनाते हैं। और इस प्रोडक्ट का जो कस्टमर्स है इसका, वो बहुत स्ट्रांग कस्टमर आपको देखने को मिलेगा, जैसे बिमोल जैसे कस्टमर्स, रेमोंड जैसे कस्टमर, सही जैसे कस्टमर, JCD लिमिटेड इसका कस्टमर्स है। तो इस तरीके से अलग अलग कस्टमर इसका देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी का ऑल ओवर 70 कंट्रीज में कंपनी का प्रेजेंस है, जहाँ पे ब्राज़ील, बांग्लादेश, जर्मनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, सीरिया, थाईलैंड, US एंड वेनेजुएला एंड वियतनाम, इस तरीके से कुछ दिग्गज दिग्गज कंट्रीज के कंपनी बिजनेस चलते हैं। 34 टेक्निकल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स है और 110 से भी ज़्यादा डीलर्स है इंडिया और इंटरनेशनल लेवल्स में। कंपनी डोमेस्टिकली काम करते 78%, इंटरनेशनली कंपनी काम करते 22%। जहाँ पे देखेंगे तो US यूरोप यूरोप मार्केट से US मार्केट से लेकर यूरोप से लेकर सारे जगह पे कंपनी, ऑस्ट्रेलिया से लेकर मलेशिया लेकर थाईलैंड से लेकर सारे जगह से कंपनी खुद का बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो कंपनी का रेड कलर बटन दिख रहा है, जितने सारे रेड दिख रहा है इसका मतलब कंपनी वहाँ पे सेल करते हैं। और जो ब्लू कलर का आपको बटन दिख रहा है यहाँ पे, देखिए इंडिया में ही दोनों दिखने को मिला, वो क्या है मतलब यहाँ पे अमरनाथ उसके साथ मुंबई, इस दोनों जगह पे कंपनी का देखा जाए तो फैक्ट्रीज है जहाँ पे कंपनी प्रोडक्शन करते हैं। और साथ ही साथ कंपनी अलग अलग जो फैक्ट्रीज भी बना के रखा कुछ जगह पे, मतलब एक बड़ा सा फैक्ट्रीज बना के रखा वो कहाँ पे, मलेशिया में है। तो इस तरीके से कंपनी बिजनेस को रिप्रेजेंट किया। अभी देखना है कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स क्या बोलते हैं। कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 3,400 करोड़, मतलब एक छोटा सा कंपनी है, और इस कंपनी का हाई पोटेंशियल है ऊपर जाने का, क्योंकि इसका ROC ROE देखिए बेस्ट लेवल में है, PE रेशियो भी ठीक ठाक है, कर्जा एकदम जीरो डेप्थ है, एनुअल इनकम बहुत शानदार है। कंपनी के दो पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा, कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज बहुत शानदार है, ₹140, कंपनी सारे इंटरेस्ट को पेमेंट करने के बाद कंपनी ₹140 कमा कर दे रहा है, इतना इससे बढ़िया चीज़ और कुछ हो नहीं सकता। रिटर्न ऑफ एसेट्स के बारे में बात करूँ तो वो भी शानदार है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 3 साल में 30% के ऊपर है, EBITDA मार्जिन भी ठीक ठाक है, क्विक रेशियो भी देखा जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा है, अभी मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि क्विक रेशियो हमेशा कहा जाता है कि 2% के ऊपर होना चाहिए था। और रही बात कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट का,
चलो मैं डायरेक्टली साल भर के रिजल्ट दिखा देता हूँ। साल भर में कंपनी देखिए हर साल में को बीट किया, कंपनी इस साल में भी सबसे ज़्यादा सेल्स जेनरेट किया और एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद हाईएस्ट कंपनी प्रॉफिट जेनरेट किया। फर्स्ट टाइम कंपनी 3 डिजिट तक कंपनी प्रॉफिट को लेके गए और कंपनी का जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है वो 90 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला और कंपनी के सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ ठीक होने के कारण कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। सर करंट शेयर में कंपनी खास कुछ रिटर्न नहीं दिया तो इसी का फायदा हम लोगों को उठाना चाहिए। तो रही बात कंपनीज के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, तो प्रोमोटर से लेकर पब्लिक तक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। हाँ FIs और DIs के पास उतना होल्डिंग्स नहीं है क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है और एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। अभी रही बात बैलेंस शीट का, तो ध्यान दीजिएगा कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते गए, कर्जा एक ही रेंज में है, छोटा मोटा कर्जा है, कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ता गया, तो सब कुछ कंपनी के फ्लेवर में है। और उसी तरीके से कंपनी का अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग्स पैटर्न को दिखा दूँ तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास है। और अच्छी बात यह है कि 64% होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास होने के बाद भी प्रोमोटर ने 1 रुपया भी गिर भी नहीं रखा कोई भी शेयर को। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न क्रिएट हो रहा है, वो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे क्या बना है, एक कप बना और उसके बाद क्या बना, यहाँ पे एक शोल्डर भी क्रिएट हुआ, तो कप विथ हैंडल क्रिएट हुआ। तो जब कप विथ हैंडल क्रिएट होता है तो हायर चांसेस होता है उस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद अपसाइड में जाने का। क्योंकि देखिए एक चीज़ आप ध्यान से एक चीज़ को समझा मतलब समझिए, कंपनीज के जो ये जो ट्रेंड बना, ये जो ट्रेंड बना आप देखेंगे तो कंपनी की ट्रेंड क्या बता रहा है, कंपनी जो स्विंग लो कर रहा है वो स्विंग लो प्रीवियस स्विंग लो उस प्रीवियस लो से कम है। इसका मतलब पहले जो लोग किए थे उस रेंज तक नहीं आया, उससे बहुत ऊपर से ही रिबैक कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे बायर एक्टिव हो रहा है, बायर फिर से इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कस करूँ उसका नाम है यशु इंडस्ट्रीज। तो यशु इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के भी कुछ खासियत है, कुछ पॉइंट खासियत के हिसाब से देखने को मिला। ये भी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। आप देखेंगे इसका कैटेगरीज वाइज देखा जाए तो कंपनी परफॉर्मेंस वगैरह केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, ध्यान से इस चीज़ को देखना। यशु इंडस्ट्रीज कंपनी एक स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं। और मैं पहले बता दूँ जो जो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम कर रहा है उसका मार्केट में अभी डिमांड कम हुआ है क्योंकि चाइना ने क्या किया, मार्केट को पूरा का पूरा कैप्चर किया और मार्केट में उन्होंने सस्ते दामों में प्रोडक्ट को बेच रहा है, जिसके चलते है इंडियन मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। क्योंकि चाइना यूरोप और यूरोप मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा खुद का प्रोडक्ट को बेच रहा है, तो यूरोप मार्केट में ज़्यादा बेच रहे हैं मतलब कंपनी का इकोनॉमिकली देखा जाए तो इंडियन मार्केट में डिमांड कम हो चुका है। कंपनी के जो प्रोडक्ट है केमिकल के साथ साथ फूड का जो मतलब केमिकल्स होते हैं, साथ ही साथ एरोमा केमिकल्स, उसके साथ साथ रावर्स प्रोडक्ट बनाने के लिए जो केमिकल्स लगते हैं वही प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। अभी कंपनीज का जो प्रेजेंस है ग्लोबली मार्केट में वो है यूरोप, अमेरिका और मिडिल ईस्ट एंड एशिया के अलग अलग कंट्रीज़ में। कंपनी का 150 से भी ज़्यादा कंपनी इट्स सेल्स टोटल 150 प्रोडक्ट अक्रॉस कैटेगरीज, तो कंपनी 150 से भी ज़्यादा कैटेगरीज को प्रोडक्ट को सेल्स करते हैं। तो एरोमा केमिकल्स के ऊपर कंपनी का 14% रेवेन्यू जनरेट होते हैं और फूड जो एंटीऑक्सीडेंट है उसके ऊपर 13% कंपनी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। रावर केमिकल्स के ऊपर कंपनी 35% सबसे ज़्यादा रावर्स केमिकल्स के ऊपर कंपनी का प्रोडक्ट दिखने को मिलता है। और उसके बाद कंपनी का जो लुब्रिकेंट जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर 14% कंपनी प्रोडक्ट मतलब बिजनेस करते हैं। स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर 25% कंपनी का बिजनेस चलते हैं। तो कंपनीज के परफॉर्मेंस के ऊपर बात करूँ, कंपनी अच्छा खासा कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है और कंपनी का जो क्लाइंट्स बेस है मुझे बहुत शानदार लगा, जहाँ पे कंपनी का वर्ल्ड बेसिस कुछ का क्लाइंट्स है, इंडिया बेसिस में बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। जैसे देखिए डाबर हो गया, जैसे आप देखेंगे तो कॉन्टिनेंटल हो गया, तो इस तरीके से हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, साथ ही साथ और भी देखिए कितने सारे कंपनीज हैं, इंडियन ऑयल, एपोलो टायर, सीएट, अदानी विलमार और उसके साथ देखिए केवा, उसके बाद आप देखेंगे तो अलग अलग वर्ल्ड के कुछ दिग्गज कंट्रीज़ को भी कंपनी प्रोडक्ट बेचते हैं, कमीन, उसके बाद जेके टायर्स, MRF एंड अदर्स कंपनी। तो कंपनीज के ऊपर सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी खुद का जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी को धीरे धीरे करके अच्छी तरीके से यहाँ पे मेंटेनेंस भी किए हैं। यही चीज़ को मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो ध्यान से देखिएगा कंपनी के बिजनेस कैटेगरीज में कितना है, 5 है।
टोटल प्रोडक्ट कितना है, 148 के आसपास कंपनी के टोटल प्रोडक्ट है। कंपनी कितने कंट्रीज में माल बेचते हैं, 50 से भी ज़्यादा। कंपनी के कितने कस्टमर बेस्ड है, 2000 से भी ज़्यादा। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितना है, 12.5 के, टू 12.5 के मतलब 12500 करोड़, 12500 मैट्रिक टन पर एनम के हिसाब से। तो कंपनी का R&D सेंटर भी है, 2 R&D सेंटर है। एम्प्लॉय कितने हैं, 580 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है। उनमें से 30 एम्प्लॉई R&D के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। तो इसके बारे में बात करें तो जो कंपनी R&D के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खुद के एम्प्लॉयज लगा के रखा और उसके ऊपर ज़्यादा काम कर रहा है, तो सोचिए उस कंपनी में आज नहीं तो कल एक धमाका जरूर दिखेगा। अभी रही बात कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो इसका मार्केट कैप 2000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का P/E ठीक है, इंडस्ट्रीज P/E भी ठीक ठाक है। कंपनी का ROC ROE तो ठीक ठाक लेवल में देखने को मिला। कंपनी का डेप्थ थोड़ा सा ज़्यादा है, मेरे हिसाब से डेप्थ ज़्यादा है, क्योंकि 1% के ऊपर ज़्यादा डेप्थ होना मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ है। अभी इस डेप्थ को मिटाने के लिए बाद कंपनी की कितना प्रॉफिट कर रहा है वो देखना जरूरी है। उससे पहले देखिए कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज कितना है, उतना ज़्यादा नहीं है, 6% के आसपास है, तो मतलब 6 रुपीज़ के आसपास है, बहुत कम है मेरे हिसाब से। EBITDA मार्जिन के हिसाब से 20 के आसपास देखने को मिला। अभी क्विक रेशियो के बारे में बात करें तो क्विक रेशियो भी उतना खास नहीं है, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि 2% के ऊपर होना चाहिए। और कंपनी के इंटरेस्ट रिटर्न ऑफ एसेट भी कम है, और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयज 3 साल में अच्छा खासा देखने को मिला। मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, कंपनी के जो सेल्स का रिपोर्ट है वो कुछ खास जरूर दिखेगा कंटिन्यूसली। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी इस बार सेल्स को डाउन किया, क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर है, तो स्पेशलिटी केमिकल्स बेचने वाला कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा सेल डाउन हुआ है। और इसी के चलते आपको ईयर ऑफ ईयर में नहीं दिखेगा, क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर्स में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस किया, इसलिए उतना ज़्यादा करेक्शन नहीं दिखेगा। तो सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रहा है, क्योंकि कंपनी का इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना पड़ा, और इस इंटरेस्ट के कारण कंपनी में जहाँ पे 100 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट हुआ था वो घट के हो चुके हैं 50 करोड़ के आसपास, मतलब 50% प्रॉफिट कंपनी का डाउन हो चुके हैं, सिर्फ एक ही कारण की वजह से, कंपनी का डिप्रिसिएशन और कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट करने के कारण। तो रही बात कंपनीज के एज ए इन्वेस्टर, तो प्रोमोटर के पास डायरेक्टली पब्लिक के पास होल्डिंग्स है, FIs के पास छोटा मोटा होल्डिंग्स है, उससे ज़्यादा होल्डिंग्स FIs के पास देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं इसी चीज़ को एज ए आपको बैलेंस शीट में दिखा दूँ तो कंपनी का रिजर्व जितना है उससे कई गुना ज़्यादा कंपनी का कर्जा है। आप कहेंगे सर कर्जा इतना क्यों लिया गया, ध्यान से देखिएगा, कंपनी CWIP में 124 करोड़ के आसपास पैसा लगा के रखा। अभी इस बार कंपनी इतना शानदार पैसा बिजनेस के ऊपर लगाया है, तो पैसा ऑब्वियसली काम खत्म होने के बाद वो पैसा डायरेक्टली फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा, तो कंपनी में अपकमिंग ईयर्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। अब इसी चीज़ को मैं एज ए चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूँ तो यशो इंडस्ट्रीज मार्केट में नया लिस्टिंग हुआ और उसके बाद एक ही रेंज के ऊपर फंसे हुए हैं, जब इस हायर लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो एक मेरे हिसाब से बड़ा धमाका आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था दो कंपनीज, मेरे हिसाब से इस दोनों कंपनी के ऊपर आपको स्टडी करके काम करना पड़ेगा, किसी भी कंपनीज के ऊपर ब्लाइंडली निवेश मत करिए। अगर आप मुझे पूछेंगे सर आपकी इस दोनों कंपनी में कौन सा कंपनी बेस्ट लगता है, ऑब्वियसली मैं कहूँगा FCL फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड, बाकी एक ये नहीं कहूँगा कि अशोक इंडस्ट्रीज कोई ख़राब कंपनी है, मुझे यहाँ पे कुछ वीकनेस पॉइंट देखने को मिला, बाकी तो ठीक ठाक ही है। तो आपका क्या राय है, आपका कौन सा कंपनी फेवरेट है, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।